कोंडागांव जिले में पहली बार आयोजित हुई राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कार्यक्रम। शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर दी गई, शहीदों को श्रद्धांजलि। कोंडागांव, हरीश कुमार देवांगन। खबर विस्तार से। वन मंडल कोंडागांव अंतर्गत छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के तत्वाधान में 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को भारत में वन्य जीवों, जंगलों और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले वन कर्मचारियों अधिकारियों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके योगदान की सराहना के लिए राष्ट्रीय वन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपवन मंडल अधिकारी पश्चिम कोंडागांव आशीष कोटरीवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद हुए वन कर्मचारी एवं अधिकारियों के याद में शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर वन मंडल कोंडागांव के सेवानिवृत्ति अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित करके आदेश निर्देश के अनुसार हम लोग ने इस बार इस कोंडागांव जिला में इस कार्यक्रम को सबसे प्रथम बार मना रहे हैं। तो आने वाला साल में अगर हो सके उनका अपना अधिकारी का दिशा अनुसार निर्देश अनुसार हो सके कोंडागांव या कहीं ऐसी जगह भी हो सकता है, पर भी हम लोग जो जिला के अंदर बना रहे हैं इस बार पहला बार बना रहे हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को आज मनाया गया है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं लगातार वनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रकृति के प्रति लोगों की जागरूकता जरूर बढ़ी है, लेकिन अवैध शिकार, अवैध निक्रमण, अवैध कटाई के प्रकरण भी लगातार प्रकाश में आ रहे हैं और इसे सुरक्षित बचाए रखने के लिए हमारे वन कर्मचारी लगातार अथक परिश्रम कर रहे हैं और इस दौरान बहुत सारी कैजुअल्टीज़ भी पूर्व के समय में हुई है और उनकी शहादत को याद करते हुए इस दिवस को मनाया जा रहा है आज। हालांकि वन अधिकारियों के अधिकार सुरक्षित रखे गए, काफ़ी अधिकार दिए गए, लेकिन राजनीतिक सह के चलते कभी कभी बैकफुट पे आना पड़ता है, उस स्थिति में बहुत सामंजस्य की स्थिति होती है, तो उस पर कैसे निपटते हैं आप लोग? हमारे वनों में वन प्रबंधन समितियाँ हमारी बनी हुई है और ग्रामीणों का भी लगातार हमें सहयोग प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार की अवैध कटाई या अवैध अतिक्रमण की या अवैध शिकार की जब भी घटना प्रकाश में आती है तो गांव वालों के द्वारा पर्याप्त रूप से हमारा सहयोग किया जाता है और वन प्रबंधन समितियां जो है वो लगातार जंगलों की सुरक्षा के लिए सतत प्रयास कर रही है। 1990 से पहले फॉरेस्ट विभाग के पास हथियार भी थी।